दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे बीस्ट के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे कि इस फिल्म का बजट कितना है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों थलापति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म बीस्ट आज आखिरकार रिलीज हुई है। इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया गया। इस फिल्म का हिंदी टाइटल रॉ रखा गया। विजय की पिछली फिल्म मास्टर कोविड के समय रिलीज हुई थी, फिर भी फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग की थी। मास्टर ने अपने पहले दिन में ऑल इंडिया में 40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। थलापति विजय की हर फिल्म सी बॉक्स ऑफिस में नए नए रिकॉर्ड्स बनाती है। फिल्म के रिकॉर्ड्स और भी तगड़े बनती अगर फिल्म का प्रमोशन सही से किया जाए तो। मास्टर के समय भी तमिल वर्जन को छोड़कर बाकी वर्जन को मेकर्स ने इग्नोर कर दिया था, बस नाम भर कर रिलीज किया गया था। विदाउट प्रमोशन ही फिल्म ने हिंदी में 6 करोड़ का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था। वही अब बीस्ट के साथ भी ऐसा किया जा रहा है। बीस्ट का भी प्रमोशन नहीं किया गया है। थलापति विजय की फिल्म्स कंटेंट वाइज काफी जबरदस्त होती है। मार्शल फिल्म को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया और फिल्म को जबरदस्त रिस्पांस भी मिला। थिएटर में भी अच्छा रिस्पांस मिलता अगर नॉर्थ में प्रमोशन ठीक से किया जाए तो। दोस्तों अगर बात करें बीस्ट के स्क्रीन काउंट की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 2600 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया तो ओवरसीज में लगभग 900 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में कुल 3500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया। दोस्तों अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट लगभग 138 करोड़ है। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की तो तमिलनाडु में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी काफी तगड़ी रही है। फिल्म के कई शोज हाउसफुल हो चुके। वहीं इस फिल्म की हिंदी बेल्ट की एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी काफी कमजोर दिख रही है। अगर फिल्म के रिव्यूज अच्छे आते हैं तो फिल्म की स्पॉट बुकिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन फिल्म का नॉर्थ में बस बिल्कुल नहीं है तो शायद क्रिटिक्स इस फिल्म को टोटली इग्नोर कर सकते हैं और फिल्म का रिव्यू भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बीस्ट अपने पहले दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 1.60 करोड़ का एस्टिमेट नेट कलेक्शन करने वाली है तो ऑल इंडिया में लगभग 48 करोड़ का एस्टिमेट नेट कलेक्शन करने वाली है तो 57 करोड़ 12 लाख का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करने वाली है। वहीं ये फिल्म ओवरसीज में लगभग 21 करोड़ का एस्टिमेट कलेक्शन करने वाली है। कुल मिलाकर ये फिल्म अपने पहले दिन में लगभग 78 करोड़ 12 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों आप बीस्ट देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।